यहाँ पे दो तेंदुए देखे गए हैं, लिहाजा सब लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का कि नीचे कोई नहीं जाए और अपने अपने बच्चों का खास ध्यान रखें आप। दो तेंदुए देखे गए हैं, लिहाजा जंगल की तरफ कोई ना जाए, जैसे हर की बनाया उन्होंने, लेकिन कुत्ते के बजाय वहां से चीता चढ़ता है। ये चीज भी वो रास्ते खुद बनाएंगे ऊपर चढ़ने के लिए, उसके वो वाले को सेफ रास्ता मत दे दो ऊपर चढ़ने के लिए ना। सब थोड़ी टेंशन इस वजह से हो रही है कि ये जो लेपर्ड का बार बार विजिट करना और वो सिविलियन के पहुंचने लगा है। आज जैसे उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग है जहाँ घर का पाला हुआ कुत्ता है उस पर उसने अटैक कर दिया, तो है तो वो सीरियस अभी, लेकिन मैं यहाँ के रहने वाले लोगों से और बाकी जो सुबह वॉक करने वाले लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी सेफ्टी के लिए इस चीज़ का थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे वो थोड़ा इस पर एहतियात बरते कि वो टाइम बे टाइम अर्ली मॉर्निंग ना निकले ताकि इस पर किसी तरह का किसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन उसका जो उसको पकड़ने का प्रोसीजर है उसके लिए हमने कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टीम को हमने टाइम पे उनको इन्फॉर्म कर दिया था और अब उनका क्या रहता है प्रोसीजर इसको पकड़ने का उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ ताकि उसकी नॉलेज मुझे शायद इस लेवल तक की नहीं है, बट हम उनको ये कहते हैं कि वो इसमें थोड़ी सी भी किसी तरह की कोई कोताही ना बरते ताकि जितनी जल्दी हो सके वो अपने प्रोसीजर अडाप्ट करें और इसको वो जहाँ जहाँ केस लगते हैं जैसे उसको पकड़ने का कोई प्रोसीजर है तो वो प्लीज़ काइंडली उसको जल्दी थोड़ा सीरियस ले। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों से सुना जाता था कि वहाँ पर चीते का हमला हुआ या भालू का हमला हुआ, लोगों में डर, परंतु जम्मू शहर के वार्ड नंबर 47 और 48 के बीच एक तरफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, दूसरी तरफ बाबे वाली माता का मंदिर और उसके साथ ही लगने वाले मोहल्ले में चीते का आतंक, पिछले अगस्त माह से लोग लगातार डरे हुए हैं, बार बार चीता यहां देखने को मिला और ये भी देखा गया कि चीता कभी सड़क में चलता था, कभी लोगों के घरों में घुसता था, लेकिन अब घरों में घुसकर कुत्तों को खाना जो है वो शुरू कर दिया। आज रात को दो कुत्तों के ऊपर हमला हुआ। बार बार वाइल्ड लाइफ के जो वार्डन हैं, कंजर्वेटर हैं, उनसे लोगों ने अपील की, यहाँ के स्थानीय लोग जाके मिले भी और मीडिया के माध्यम से भी बात हुई, परंतु उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। सिर्फ यहाँ पर दो जंतर ऐसे लगा दिए हैं, अभी तक कहा है कि एक जंतर दो और लगाने की जो इनकी वो है कि दो जंतर और लगाएंगे, परंतु जो एक जंतर लगाया है अगर उसके बीच भी उस चीते की गिजा रखी होती तो वो पकड़ा जाता, परंतु वो यहाँ घर में हमला ना करता। आज लोगों को डर ये है कि सभी के वाशरूम बाहर हैं, रात में अगर किसी को वाशरूम जाने की ज़रूरत पड़े तो कोई बाहर निकले, बाहर चीता जो है वो घात लगाए बैठा हो, तो ऐसे में लोग डरे हुए हैं। कई लोग यहाँ से अपने घर छोड़ के रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, तो इसमें सरकार ने संज्ञान लेते हुए तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये चीते पकड़े जाएँ और लोग भयमुक्त हो सकें।